की बात है, लेकिन बहुत समय से समाज में तेनालीराम का एक वातावरण बना हुआ था, लेकिन इन कोई लोगों ने हमें ऐसा स्वर्णिम मौका दिया कि हम एक धर्म पर एक स्थान पर बैठकर आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। मैं इन कोई लोगों को सलाम करता हूँ, इनके जननी माता पिता और दादा दादी नाना नानी आज यहाँ उपस्थित है, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद और उनको नमन करता हूँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो हमें इस प्रकार का मौका प्रदान किया। इसके अलावा हमारे इस कार्यक्रम में पधारे आज के मुख्य अतिथि श्रीमान सुनील जी मेहरडा साहब, हमारे प्रिय नेता, हमारे लाडले विनोद, हमारे समाज के कोहिनूर विनोद जी गोठवाल जी विधायक पीरी गंगा, हमारी पुत्री जिला प्रमुख हमारे बीच हनुमानगढ़ की जो है वो बधाई, उनका भी हम मंच के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन और उनका स्वागत करते हैं। हमारे बीच प्रधान महोदया पीरी गंगा पहुंची हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और आप सब लोग जो मंच के सम्मुख बैठे हैं, आप इतने आपको फोन किए गए थे, कईयों को व्हाट्सएप पे फोन तो बहुत कम लोगों को कर पाए। एक हमारे वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने इस बात पे टिप्पणी भी कर दी थी, मैं उनको हृदय से सलाम भी करता हूँ कि आज तक समय आ गया है कि लोग पहले तो घर जाके नोटा देके आते थे, बाद में फोन करते थे, आजकल व्हाट्सएप पे ही कार्ड भेज देते हैं और कार्ड भेज के बाद में कहते हैं आ जाना। लेकिन आपने उस रुपये को स्वीकार किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। एक बार समाज आपका हमेशा रेडी रहेगा, आप और हम भी मिलकर आगे बढ़ेंगे, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। मंच पे सम्मानित हमारे पूर्व सांसद अनु साहब, हमारे गुरुजन शांतिनाथ जी महाराज हमारे बीच पधारे, और जो जिन्होंने मेहनत की, विशेष तौर से सुचाई लगाने वाले हरिराम जी मेघवाल साहब पूर्व प्रधान अनुकूल, जिन्होंने जो है आगे एक ऐसी सुचाई लगाई कि कल्याण आगे और आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से आज सब जो है आप पधारे, आपके सानिध्य हमें प्राप्त हुआ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और रही बात कि इन्होंने मन से ये कहा कि ये बामा शहर, इन्होंने पैसे की व्यवस्था की, ये की वो की, ये सब का सब जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का ही किया हुआ है। मैं एक सामान्य श्रेणी में एक मजदूर के घर में पैदा हुआ और एक अध्यापक की नौकरी की, ये भी मेरे को बाबा साहब के कारण मिली। बाद में मैं व्यवसाय में गया, वो भी बाबा साहब के कारण मिला। और आज मेरा जो बहुमत मतलब जो यूं कह सकता हूँ कि जो मन मजबूत है वो बाबा साहब की इस फौज और बाबा साहब के उस आशीर्वाद के कारण ही है। आप सब मिलकर हमें वो समय भी आ गया है, इस मंच के माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा कि वो समय भी आ गया है कि एक बार समाज के लिए हमें बात सोचनी पड़ेगी, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो। हमारे समाज में जो विपरीत जो बुराइयां फैली हुई है उनसे हमें छुटकारा पाना होगा, नशे से हमें छुटकारा पाना होगा, और तभी हम ऐसे समाज के कोहिनूरों को पा सकते हैं, अन्यथा हमारे ये कोहिनूर मिट्टी में धूमिल होते चले जाएंगे, आपसी लड़ाई और झगड़े में खत्म होते चले जाएंगे, आपसी राजनीतिक और सामाजिक और आपसी द्वेष में हम जो है पिछड़ते चले जाएंगे। लड़ाई लड़ो, लड़ाई किसकी लड़ो, आगे बढ़ने की लड़ो, लड़ाई वो मत लड़ो। मैं मंच के माध्यम से कई बार कहा करता हूँ कि टांग खिंचाई, टांग कौन खींचता है, पीछे वाला खींचता है, आगे बढ़ा हुआ नहीं खींच सकता। आगे तो बढ़ोगे, टांग खींचने वाले काम है उनका टांग खींचना, वो पीछे रह जाएंगे। समय अपने आप आगे आपको बढ़ाएगा, इसी आशा और विश्वास के साथ उन्हें मैं समाज के कोई लोगों को उनके परिवार को, हाँ एक बात थोड़ा आप लोग मायूस हुए होंगे, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हमने
कंप्लेंट में और मीडिया में ये प्रचारित किया था कि हमारे यहाँ आईजी साहब कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहेंगे, वो हमने कोई ऐसा ही नहीं किया था। दीपावली के दिन हरिराम जी, राकेश त्यागी और जिलाध्यक्ष हमारे बालान साहब, इनकी अनुमति से हम उनको न्योता देके आए थे, उन्होंने हमारे न्योते को स्वीकार किया। लेकिन बैंक की नौकरी है, हम उनको भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे न्योते को स्वीकार किया और उनके न्योते से हम इतने प्रफुल्लित हुए और आज भी प्रफुल्लित हुए कि यहाँ उपस्थित हुए। लेकिन बैंक की नौकरी है, उनकी मजबूरी रही, अचानक कोई क्राइम मीटिंग थी, उसकी वजह से वो हमारे बीच नहीं पहुँच पाए। उन्होंने कहा मेरा प्रतिनिधि मैं भेज रहा हूँ, सुनील जी मेहरा साहब हमारे बीच पधारे, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरी ओर से आपको एक बधाई भी अलग से देता हूँ कि आपका भांजा भी जो है इन कोयम्बटूर में शामिल है। और मैं हमारे गोपाल साहब, मेरे बात टेलीफोन पे बात हुई उनके साथ, मेरे को पंजाब में लगा रखा है, चुनाव में ड्यूटी लगा रखी है। लेकिन इस समाज के सभी युवा साथियों को एक मोटिवेशन के तौर पर उनसे विद्यार्थी सीखने को मिलेगा, पढ़ने का अवसर मिलेगा। सभी जो चयनित आदेश हैं, मंत्र आसीन है, आज हमारे बीच में आई साहब आ नहीं पाए, उनके प्रतिनिधि के तौर पर हमारे बीच सुनील भंडन जी, जो के एसओ जी, डिविजनल एस पी, हमारे शंकर पन्नु साहब, एस एम पी प्रमुख साहिबा हनुमानगढ़ कविता मेघवाल जी, मंत्री नवनीत कौर गिरिवा, मेरे अमन प्राचीन काला जी, तमाम जितने भी अंत प्राचीन हमारे समाज के सभी बुद्धिजीवी पंच के सामने बैठे, सभी हर वर्ग से जो कर्मचारी अधिकारी जिस जिस पोस्ट पे हैं, उनका परिवार के साथ है, उनका भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। इनकी वजह से आज जो आदेश पड़े हैं, हम लोग बैठे हैं, माँ बाप की बहन की कमाई से, बाप दादा की कमाई की वजह से, टीचर्स की वजह से, आस पड़ोस की वजह से हम ये मुकाम हासिल कर पाते हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बाबा साहब के बारे में हमारे कामवा जी ने बताया कि जो देर है बाबा साहब की देन, आज मंच पे विधायक की पोस्ट मिली बाबा साहब की देन, क्योंकि 2008 से पहले तो वो सीट जो है हमारे बहादुर साहब जो बैठे हैं वो लड़ते थे चुनाव, बाबा जी आशीर्वाद है कि वो सीट परिवर्तित हुई तो हमारा नंबर आ गया। मैं बाबा साहब को बहुत बहुत नमन करते हैं, हमेशा दिल में रखते हैं। हमारे डॉक्टर साहिबा भी आए हुए थे, जो उनसे हमें हमारे युवा साथियों को सीखने का मौका मिलेगा। फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि अपने समाज आज तो सम्मान किया गया, इसके अलावा भी जो बुराइयाँ उनको भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। नशे की प्रवृत्ति किस तरीके से बढ़ रही है या अन्य जो गैर जिम्मेदाराना गतिविधियाँ बढ़ रही हैं उन पर भी हमें अंकुश लगाने की आवश्यकता है। तो इस शिक्षा एक माध्यम है, इसके माध्यम से हम इन सब चीज़ों पे पार पा सकते हैं। मैं हरीशर साहब का भी चर्चा कर रहे थे कि मेरा 5 करोड़ का बजट रहता है एक साल में, मैंने अपनी बार भी लाइब्रेरियाँ काफ़ी ली हैं, 15-20 के आसपास लाइब्रेरियाँ ली हैं। और अपने जो साथी हैं नशे की प्रवृत्ति से बच पाए, इसके लिए मैंने जिम लिए हैं, वॉलीबॉल ग्राउंड लिए हैं। हमें बच्चों का ध्यान डाइवर्ट करने की आवश्यकता है। हम कहें कि नशा छोड़ दे, तो शायद वो नहीं छोड़ पाए, छोड़ नहीं पाए। हम बच्चों को ग्राउंड में भेजेंगे, लाइब्रेरी में भेजेंगे, तो शायद आने वाले समय के अंदर हम जो इस दिशा की ओर जा रहे हैं तो बहुत जल्दी अपने उस मुकाम को हासिल कर पाएंगे। आपने सम्मान के लिए कालावा जी ने राखी जी ने और मैसेज भी किया, बात भी की। अकेला इनका ही काम नहीं है, इनका पूरा परिवार इनके साथ लगा है, सहयोग किया है।
और इन्होंने जो पढ़ाई करके शिक्षा को उत्तीर्ण किया ये उनकी उपलब्धि है। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा तारों से बेटी ने जाति की बात कही, बेटा जाति तो हमारे साथ चिपकी हुई है, हम इसको उतारना भी चाहते ये उठने नहीं देती। बड़े से बड़ा अधिकारी कोई आता है कहीं पर तो लोग जान रहते हैं वो फलानी है की जाति है, जाति है तो जाति नहीं है। मगर आपको सिर्फ इतना ही काम करना है कि न्याय को देना है जो संविधान में उल्लेख है वो भी आपको। मैं एक बात कहकर के अपनी बात को समाप्त करूंगा, मेरे बहुत बड़े मैं उनको क्या कहूँ सब कुछ वही है।